मैं गुलाम हैदर हूँ, जिगमा बात कर रहा हूँ। कराची में तवील अरसा रहा, बीवी बच्चों को छोड़कर मुलाजमत के लिए, जॉब के लिए सऊदी अरब गया था और उसके बाद 10 मई को बच्चों को बीवी लेकर भारत गई। दो बच्चे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, बीच में नहीं लेके आओ। हाँ, इनके मम्मी पापा दादा दादी के पास रह रहे हैं। हैदर की बेटी बेची गई, निकाह कर दिया गया, छोटी सी 3 साल। कौन सा फ्यूचर तेरा बन रहा है? तू अपने यार के साथ अय्याशी कर रही है और तेरा फ्यूचर बन रहा है? किधर फ्यूचर बन रहा है तेरा? है तेरा बच्चे का फ्यूचर इंडिया में नहीं है, तेरा बच्चे का फ्यूचर हैदर के साथ है, क्योंकि तेरे बच्चे का फ्यूचर हिंदू धर्म में नहीं है, क्योंकि वो बच्चा मुसलमान था, मुसलमान है, मुसलमान रहे। दोस्तों साथियों, आज होगा खुलासा कि ये सीमा भगोड़ी कितनी बड़ी वाली झूठी औरत और मक्कार औरत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूँगा सीमा भगोड़ी और गुलाम हैदर साहब को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सब एक बात इस सीमा भगोड़ी के बारे में बहुत अच्छे से जानती होगी कि ये सीमा भगोड़ी इंडिया में अय्याशी करने के लिए कितने बड़े बड़े झूठ बार बार बोल रही है और गुलाम हैदर साहब पर बार बार इल्ज़ाम लगा रही है, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, और ये सब आपने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सीमा भगोड़ी की वीडियोज़ के अंदर देखा होगा कि ये सीमा भगोड़ी गुलाम हैदर साहब पर इल्ज़ाम लगा कर ये बोलती है कि गुलाम हैदर साहब ने अपनी एक बेटी को 2.5 लाख रुपए में बेचा था, और ये बात मैं अपने बच्चों की कसम खाकर बोलती हूँ, मैं ये बात झूठ नहीं बोल रही। दोस्तों अभी मैं आपको इसकी ये वीडियो पूरा दिखाऊंगा और इसके साथ साथ आप इस सीमा भगोड़ी का दूसरा वीडियो भी देखोगे जो आपको बहुत ज़्यादा हैरान कर देगी। दोस्तों पहले आप इस सीमा भगोड़ी का ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपको इसका दूसरा वीडियो भी दिखाऊंगा। मैं चारों बच्चों की कसम, मैं ये सच्ची बात कर रही हूँ। 2.5 लाख में हैदर की बेटी बेची गई, निकाह कर दिया गया, छोटी सी 3 साल जी। और हैदर को मैंने नहीं कहा था कि पहली पत्नी को तलाक दो, उसने वो औरत सरदारों के पास गई, वहाँ सरदार चलते हैं, नवाब चलते हैं, उनके पास गई कि भाई मुझे हैदर के साथ नहीं रहना। बुड्ढी नाम की औरत दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो? दोस्तों अब आप इसकी दूसरी वाली वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसमें इस भगोड़ी सीमा ने ये बोला है कि गुलाम हैदर की पहली बीवी के बच्चे दादा दादी के पास रहते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। जब हैदर ने अपनी पहली बीवी को तलाक दी, चलो मैं मानते हैं थोड़ी देर के लिए मेरे कहने से, इनको बोलने का मत कहिएगा, दी तलाक ना, और अपने बच्चे अपने मम्मी पापा के पास रखे ना, तो जब उन बच्चों का फ्यूचर नहीं सोच रहे, उन बच्चों का भविष्य नहीं सोच रहे, तो मेरे बच्चों का भविष्य क्यों सोच रहे? क्योंकि मैं इंडिया और हिंदू से शादी कर बैठी हूँ, इसलिए और वो भी तो दो बच्चे इन्हीं के हैं ना, उनकी माँ भी चली गई, तो उन बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे, तो मेरे बच्चों का ध्यान कैसे रखेंगे? मतलब इसलिए कह रहे हैं, ये आपको फंसा रहे हैं, मुझे फंसा इसलिए क्योंकि मैं सचिन से शादी कर चुकी हूँ, हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, इसलिए। तो सीमा आप ये कह रही हैं कि इज्जत पे बात आ गई, आपके साथ जो बच्चे आए हैं इसके अलावा गुलाम के दो और बच्चे हैं जो उनके साथ रहे हैं। सीमा आप ये कह रही हैं? दो बच्चे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, बीच में नहीं लेके आओ। हाँ, इनके मम्मी पापा दादा दादी के पास रह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं लो आप, हो सिर्फ अपने पे बात। मैं तुम्हारे साथ हैदर, एक बात की हजार बात, मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं तुम्हें कानूनी डिवोर्स दूंगी। कदम पे इसका बात अलग होता है, आज कुछ है रहे, कल कुछ और है। इसने इसके एक अगले वीडियो में इसने बोला था कि हैदर की बीबी जो है, हैदर को हमने नहीं कहा था कि हैदर को तलाक दो, हैदर ने खुद तलाक दिया था। ठीक है, ये बात हो गई, ठीक है, ये बात एक झूठी हो गई। दूसरी बात ये बोलती है कि चलो ठीक है, हमने बोला था हैदर को अपनी बीबी को तलाक देने के लिए, ठीक है। एक में बोलती है हमने नहीं बोला था तलाक देने के लिए, हैदर ने खुद तलाक दिया था। एक में बोलती है कि हमने बोला था तलाक देने के लिए हैदर, एक में बोलती है कि हैदर की बीबी सरदार के पास गई थी तलाक लेने के लिए, इसका हैदर का किसी से चक्कर चल रहा था। ये किस तक कितना बात ये झूठ, जिसको 10 भतार करना है वो अपने पति पे लांछन लगाए जाएगी, उसको कोई एक उसका एक सीढ़ी नहीं होगा, उसका 1000 सीढ़ी होगा। जिसको झूठ बोलना है उसका सीढ़ी बनता जाएगा। उसी में एक करेक्टरलेस सीमा है, क्योंकि सीमा को दूसरा क्यों, सीमा को किस तरीका से हैदर भाई किस तरीका से चुभते हैं, अरे मतलब ऐसे परेशान हो रही है बात करने से, ऐसे जब तुम अपनी झूठ का दुकान खोल दो और कोई इंसान तुम्हारा अगर पर्दाफाश करे तो तुम्हारा अरे भैया हो गया, सरदर्दी हो गया, तुमको शर्म नहीं आती, शर्म तुमको है नहीं, तुम एकदम निर्लज्ज, एकदम निकम्मी, एकदम वैश्य इंसान हो। और रही बात, दूसरी बात ये बोलती है कि हैदर ने अपनी नाबालिग बच्ची को बेचा था, 2.5 से 3 लाख रुपए में हैदर ने अपनी बच्ची को बेचा था। फिर एक वीडियो में बोलती है कि हैदर के बच्चे अपने दादा दादी के पास हैं, क्यों?
हर बार तू अपना जो है बयान क्यों बदलती है? तेरे अंदर अगर सच्चाई है तो एक बात पे क्यों नहीं अड़ी रहती है? तू हमेशा अपना बात झूठा क्यों करती है? और तेरा हर एक जगह झूठ तेरा पकड़ा जाता है। तू सोचती है कि आज मैं ये बोल दी, क्योंकि झूठ वही होता है। आज जो झूठ बना के हम बोल रहे हैं, कल वही भी झूठ हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आज ये झूठ हम बोल जाएंगे, कल दूसरा झूठ बना के भेजेंगे। ठीक है, कल दूसरा झूठ बना के हम भेजेंगे मीडिया के जरिए, पब्लिक के जरिए। पब्लिक सुनेगी कि हम कितना झूठ बोलते हैं। और जो एक बात जो सच होती है, वो जन्म जिंदगी तक उसी बात पे टिका रहता है इंसान, जो सच होता है। और झूठ बार बार बदलता है, झूठ बार बार बदलता है। तूने बच्चे का बात झूठ बोला, तूने तलाक का बात झूठ बोला, तूने बोला कि हमने हैदर से तलाक ले लिया, तूने हैदर से तलाक भी नहीं लिया था, तेरा हैदर से तलाक भी नहीं होता। हैदर बोलते हैं कि, और तूने बोला कि हैदर की बीवी जो है सरदार के पास गई थी, इसका दूसरे के साथ चक्कर चल रहा था। हैदर बोलता है कि ये जो है इसकी आपस में दोनों बीवी की मेरी बनती नहीं थी, सीमा ने बोला था तलाक देने के लिए, और तू बोल रही है कि मैंने हिंदू धर्म में शादी कर ली, हिंदू से शादी कर ली, इसलिए अपने बच्चे का हैदर फ्यूचर नहीं देख सकता, तो मेरे बच्चे का फ्यूचर देखेगा। अरे जब वो पैदा करने का ताकत रखता है तो फ्यूचर देखने का ताकत क्यों नहीं रखता है? तू कौन सा ताकत, तेरा वो सचिन जो है वो मर चुहा, तू तो तेरा बच्चे का कौन सा फ्यूचर देख रहा है, कौन सा फ्यूचर तेरा बन रहा है? तू अपने यार के साथ अय्याशी कर रही है और तेरा फ्यूचर बन रहा है? किधर फ्यूचर बन रहा है तेरा? तेरे सामने तेरे बच्चे, अपने बच्चे के सामने तू अपने यार को लेके सोती है, तेरा फ्यूचर बन रहा है तेरे बच्चे का? ये तेरा फ्यूचर, तेरा जो खुद का पति तेरा बेहतर पति था, उसके साथ तेरे बच्चे का साथ फ्यूचर नहीं था, और तेरे भागे पति के साथ तेरा फ्यूचर बन गया है। तू ऐसी हरकत करती है, तू बोलने पर मजबूर करती है, इतनी निर्लज, इतनी निर्लज है। अरे तू अपनी आवाज बंद कर ले, अपनी आवाज बंद कर ले। तू हर कदम पे भगवान को बदनाम करेगी, हर कदम पे तू सनातन धर्म को बदनाम करेगी, हर कदम पे तू मुसलमानों को बदनाम करेगी, हर कदम पे अपने पति को बदनाम करेगी, हर कदम पे अपने बच्चे का जो है पवित्र रिश्ता बिगाड़ेगी, अपने बाप के साथ रिश्ता बिगाड़ेगी, उसके उसके सामने मरा हुआ मुर्दा खड़ा कर देगी, ये तेरा बाप है, बच्चे उधर सहमे हैं, तू दिन का दिन अय्याशी कर रही है, ऐसे करे। तेरे को सचिन रखा है या तूने सचिन को रखा है? सचिन ने तुझे नहीं रखा है, और ना ही तेरे बच्चे का। सचिन इंडिया में है, तेरा बच्चे का फ्यूचर इंडिया में नहीं है, तेरे बच्चे का फ्यूचर हैदर के साथ है, क्योंकि उसका बाप हैदर है। काले समझ में आई बात? तेरे बच्चे का एक टाइम का दूध का खर्चा भी सचिन नहीं उठा सकता, और तू बोलती है कि मैंने हिंदू धर्म में शादी करके मैंने अच्छा किया, मेरा बच्चे का फ्यूचर बनाई। अरे तू अगर अपने बच्चे का फ्यूचर अगर सोचती तो अपने पाकिस्तान में रहती, हिंदुस्तान में नहीं आती, अपने बच्चे के सामने दूसरे बाप को नहीं खड़ा कर देती। तुम बोलने को मरती है, तेरे अंदर है क्या? तू है क्या? और ये तेरा सचिन जो है, ये सचिन जिस सिर्फ तेरे इस पे टिका हुआ है, जो तेरी यूट्यूब की कमाई आ रही है ना, सिर्फ तेरा इस पे, तेरा जो ये सचिन का खानदान जो भड़वागिरी कर रहा है ना, सिर्फ तेरे यूट्यूब की कमाई से दलालगिरी हो रही है। नहीं तो तेरे को कुतिया को तेरे को ना कोई रोटी भी नहीं डालता। और तू अपने बच्चे के फ्यूचर की बात करती है, मेरे बच्चे का फ्यूचर नहीं था हैदर, अपने बच्चे का फ्यूचर, अरे वो पैदा अगर कर सकता है तो अपने बच्चे का फ्यूचर नहीं उसको नाली में फेंक सकता है क्या? अपने बच्चे को अगर जो बंदा पैदा करने का औकात रखता है, वो बंदा अपने बच्चे का फ्यूचर भी बनाने का औकात रखता है। समझ में आई बात? हैदर ने मुझे पैसा नहीं दिया, हैदर ने मुझे ये नहीं दिया। अरे हैदर ने नहीं दिया तो तेरे यार ने दिया, जो पाकिस्तान में था, जो तुझे रखा हुआ था, जिसके साथ तू नल्ली बिरयानी, कौन सी गधी बिरयानी, कौन सी कुतिया टट्टी बिरयानी जो खाने जाती थी। और तू बात करती है कि तेरा बाप देता था, तेरा बाप तो कब का टपक गया? तेरा बाप कौन इतना दिन से तेरा कौन खर्चा देखता था? अरे कौन खर्चा देखता था? तू चार चार मोबाइल लेके इधर उधर टहलती थी, एक मोबाइल से नहीं चार मोबाइल से तू बात करती थी। आज तू बात कर रही है मेरा फ्यूचर इंडिया में था, मेरा फ्यूचर हिंदू धर्म में था, तेरे बच्चे का फ्यूचर हिंदू धर्म में था। अरे तेरे बच्चे का फ्यूचर तेरे मुस्लिम धर्म में है, तेरे बच्चे का फ्यूचर हिंदू धर्म में नहीं है, क्योंकि वो बच्चा मुसलमान था, मुसलमान है, मुसलमान रहेगा, हिंदू ना बनेगा, ना बना है, और ना ही बनने देंगे हम लोग। समझ में? तू अपनी औकात भूल रही है, तू अपनी औकात मेरा याद रखना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं याद रखना, क्योंकि तूने हर कदम पे उस इंसान को दबाई है जो तुझे सराखों पे बिठा के रखा, तूने उस इंसान को दबाया जो तुझे हर एक कदम पे तुझे सराखों पे बिठाया, तेरा हर एक बात तेरा सराखों पे रखा, आज तू उसकी बात तुझे चुभ रही है। कभी तेरा सैयद था, तेरा भैया बन गया वो, अरे लप्पू को बोलना भैया, वो तेरा भैया है, उसी को बोल भैया, या तो एपी को बोल भैया, तेरा भैया एप हैदर नहीं है, तेरा वो सैयद था, सैयद रहेगा। और तू ये मत सोच कि तू हैदर तेरे लायक नहीं है, तू हैदर के लायक नहीं है, तू हैदर के लायक नहीं, तू हैदर के पैर की जूती के बराबर भी नहीं है, तू हैदर के पैर की जूती भी बनने के लायक नहीं है, समझी? तेरे पर थू है, तू क्या बात करेगी, तू हैदर से क्या बात करेगी? हैदर भाई मेरे सोना थे, हैदर भाई मेरे हीरे थे, हीरे रहेंगे, तू सिक्का खोटा थी, सिक्का खोटा रहेगी। और तू याद रखना, तू इंडिया में रहेगी, नहीं तो पाकिस्तान में रहेगी तू। दोस्तों साथियों, जैसा कि आपने देखा ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपकी आंखें खुल गई होगी। दोस्तों आपको ये वीडियो देखकर पता चल चुका होगा कि यह अय्याश नापाक औरत सीमा कितनी बड़ी वाली झूठी औरत है, जो कि अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए बार बार झूठ बोल रही है और ग़ुलाम हैदर साहब पर इल्ज़ाम लगा रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा आपसे ऐसे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।